रिफ्रैक्टिंग सरफेस किया। तो ये पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का आज का। फिगर शोज अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये रहा। एंड अलॉन्ग डायमीटर ए बी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलती हैं। तो पैरेक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ मूव करती हुई आ रही हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई जाती हैं। म्यू वन एयर का वन है, म्यू टू आपको इसमें निकालना है। सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रेज विल कन्वर्ज एट ऑपोजिट एंड बी। तो वो क्या चाह रहे हैं कि रेज आए और कहां पर मिले, बी पे मिले। तो मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हो रही है, इस सरफेस पे हो रही है। तो रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, इंफिनिटी, क्योंकि रेज कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। तो रेज तो ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी। और इमेज कहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है वो, बी पे। तो इमेज का डिस्टेंस डायमीटर जितना है, तो रेडियस अगर 10 है तो इमेज की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक। और रिफ्रैक्शन क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और रेयर मीडियम में है, तो रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर, आपको इसमें यू इन्फिनिटी पता है, आर इसमें पॉजिटिव 20 पता है, राइट की तरफ है, म्यू वन वन है, म्यू टू निकालने। रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगेगा। रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर के फॉर्मूले में 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इसमें 0, और यहाँ से म्यू टू निकालना है, आपको v पता है, म्यू टू म्यू वन पता है और r पता है। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, म्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में या रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है। क्या पॉइंट क्लियर है? इसी बेस पे ये क्वेश्चन देखो, एक स्फेरिकल सरफेस s है, ये रहा स्फेरिकल सरफेस, सेपरेट्स टू मीडिया वन एंड टू, दो मीडियम वन एंड टू में, इन अ फिगर फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट ओ बी प्लेस इन मीडियम वन। मीडियम वन में मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं, तो क्या निकालना है, यू। तो मुझे यू निकालना है। सो दैट लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सिस्टम, ताकि रेज यहां से निकले और कहां चली जाए, पैरेलल चली जाए। इस बार ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना है, इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी, क्योंकि रेज इन्फिनिटी पे जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो वी कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी। म्यू वन म्यू टू आपको गिवन है, म्यू टू इसमें डेंसर है, म्यू वन रेयरर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयरर में है, और कहां जा रही है रेज, डेंसर में, क्योंकि ये 4/3 छोटा होता है, 3/2 बड़ा होता है। तो रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लिख लिया, यू क्या है, निकालना है, इमेज क्या है, इन्फिनिटी, म्यू वन म्यू टू गिवन है, पुट कर दिया, 1/∞ 0 है। सॉल्व करके u की वैल्यू आ गई -240, u यानी कि लेफ्ट की तरफ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 सेंटीमीटर। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, ठीक। इस क्वेश्चन के बाद ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका स्फीयर का डायमीटर 15 सेंटीमीटर गिवन है। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर व्हिच कन्वर्जेस एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। बीम ऑफ लाइट देखो कैसे आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है 30 सेंटीमीटर पे जाके मिलती है, ठीक है, 30 पे। पर प्रॉब्लम यह है कि दिख नहीं रही 30 पे, दिख तो रहा है कि वो आई पे मिल रही है ना, डायग्राम में कंफ्यूजन है थोड़ी सी। वो कह रहे हैं फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज अगर म्यू इज इक्वल टू 1.5 है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में ऐसा समझाया जा रहा है कि आपके पास बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, टेडी आ रही है, और वो कहां पे मिल रही थी, वो 30 सेंटीमीटर पे मिल रही थी, ऐसे ऐसे आ रही है, 30 पे मिल रही है। पर आपने क्या किया, आपने ग्लास स्लैब बीच में रख दी, ग्लास स्लैब बीच में बाद में रखी, जिससे कि लाइट की क्या हो गई, यहां पर रिफ्रैक्शन हो गई,
और वो पहले मिल गई। अब वो कहाँ मिली वो पूछ रहा है कि बोलो कहाँ मिली, उसकी फाइनल इमेज कहाँ मिली ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट को समझो। सपोज करो आपके पास ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पड़ा था, ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पड़ा है, मैंने ग्लास स्लैब में से देखा तो मुझे ये यहाँ की बजाय ना यहाँ नजर आ रहा है, मुझे इसकी इमेज नजर आ रही है। तो एक्चुअल ये यू ऑब्जेक्ट है मेरे ग्लास के लिए और ये इसकी इमेज है। मैंने एक और चश्मा लगा लिया, अब मेरे को ये यहां नजर नहीं आ रही, मेरे को यहां नजर आ रही है। तो पहले ग्लास स्लैब के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूसरे चश्मे के लिए ये ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, जो पहले ग्लास ने इमेज बनाई थी वो ऑब्जेक्ट है और इसकी फाइनल इमेज कहीं और बनेगी। ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, कहने का मतलब कि दिखेगा तो आपको पेन ही दिखेगा, शिफ्ट होके दिखेगा। तो पहले ग्लास स्लैब ने ऑब्जेक्ट की इमेज आई यहां बनाई, दूसरी ग्लास स्लैब ने इस इमेज को ऑब्जेक्ट माना और इसकी इमेज यहां बनाई। ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा ग्लास स्लैब कर क्या रहा है, पहले ग्लास स्लैब की इमेज को क्या मान रहा है, ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज बना रहा है। जब भी, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रेज पीछे से आ रही थी, कहां से, इंफिनिटी से, मेरे को लेना देना नहीं है, कहां पर मिल रही थी, यहां मिल रही थी, तो यहां पर क्या बन रही थी, सी पे इमेज बन रही थी, पहले ग्लास स्लैब ने बनाई होगी, मुझे पता नहीं उसके बारे में ज्यादा डिटेल। अब क्या हुआ, ठीक, अब क्या हुआ, आपने एक स्फीयर रख दिया ग्लास का बीच में, उसने क्या किया, उसने इसे शिफ्ट करके यहां बना दिया कहीं पर। तो इस ग्लास स्लैब के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज। जब भी कोई ग्लास स्लैब एक या कोई भी लेंस कुछ भी इमेज को ऑब्जेक्ट मान के उसकी नई इमेज बनाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी ग्लास स्लैब बनी हुई इमेज को शिफ्ट करके नई इमेज बनाती है, तो इसके लिए ये क्या ट्रीट किया जाएगा, लाइक एन ऑब्जेक्ट। इमेज को ऑब्जेक्ट माना, जब भी इमेज को ऑब्जेक्ट माना जाता है उस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे इमेज को ऑब्जेक्ट मान लिया, ना, हम बोलेंगे इसका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा ना, कहां पे पीछे है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज तो यहां बन रही थी, इसने इस इमेज को यहां शिफ्ट किया, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ज्यादातर केसेस में यू नेगेटिव नहीं होता, नहीं तो हमेशा यू नेगेटिव होता है, यू पॉजिटिव होता है। देखो कैसे, रिफ्रैक्शन यहां पर हो रही है, रिफ्रैक्शन यहां पर हो रही है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, सी, इमेज कहां पर बन रहा है, आई पे। तो इसका मतलब, और रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है रेयरर से डेंसर, क्योंकि रेज रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेयर से डेंसर, म्यू वन म्यू टू पता है, यू इसमें नेगेटिव नहीं है, यू इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यहां से 30 सेंटीमीटर पे सी पॉइंट था, और सी पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, जो कि प्लस 30 है। तो आर की वैल्यू भी इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि ये कर्व वैसे है, तो आर इसका राइट की तरफ होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पुट कर देते हैं रेयर टू डेंसर में, आपको एक मिसिंग वैल्यू गिवन है और वो है वी, तो वी की वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आएगा, बस ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसमें यू पॉजिटिव है, नहीं तो सारे क्वेश्चन में यू नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में यू पॉजिटिव ही दिखेगा आपको, क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन देखें, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई ना फ्लास्क में जाके बैठ गया, एयर के फ्लास्क के अंदर बंदा बैठा है, और एयर का फ्लास्क पानी में है। अब क्या है, रेज आ रही है बिल्कुल सीधी, यहां पर आई, देख रहे हो नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कहां बनेगी इमेज, वो क्वेश्चन है। रे डायग्राम बनाने को नहीं कह रहा, वो पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगी। पहला चीज यू क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी, रेज जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो यू तो इन्फिनिटी है, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो फॉर्मूला डेंसर टू रेरर का यू इन्फिनिटी है, रेडियस इसमें पॉजिटिव है, देखो ना राइट की तरफ है, रेज राइट है और रेडियस भी राइट है,
तो रेडियस इसमें पॉजिटिव है, म्यू वन म्यू टू इसमें क्या बना है, डेंसर टू रेयर पुट कर दिया, यू नेगेटिव पुट इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। वी निकाला, वी क्या आ रहा है, -22.5, माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ, यहां कहीं इमेज बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ -22.5। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो ये डायग्राम तो नहीं बनाने होते आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है यू और वी का, तो न्यूमेरिकल ये वैल्यू आ जाएगी। डायग्राम तो आपकी हेल्प के लिए है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि क्या गिवन है। समझ में आ रहा है यहां तक? एक लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का तो नहीं कहेंगे पर, लेकिन हाँ एक कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन है, फिगर शोज अ ग्लास हेमिस्फेयर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो एक ग्लास का हेमिस्फेयर है टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो लाइट जो है पैरेक्सियल रेज आती हैं और डायमीटर डी इंसिडेंट ऑन अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेयर एज शोन। ये बिल्कुल सीधी ऐसी आती हैं रेज, और रेज जो आ रही हैं इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये कितना है, ये डी डायमीटर है, डी डायमीटर है, सीधी आती हैं। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ये थोड़ा बेंड हो जाती हैं और ऐसे टेबल पर गिरती हैं। ये मत देखो टेबल, टेबल पे लाइट गिरी तो यहां जमीन पे एक स्पॉट बनेगा लाइट का, लाइट ऐसे आ रही है डी डायमीटर, स्पॉट थोड़ा छोटा बनेगा, तो आपको बताना है स्पॉट का डायमीटर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब पॉइंट ये है, ये लाइट यहां पर बेंड हो रही है तो रिफ्रैक्शन हो रही है, ये पोल बन जाएगा। रिफ्रैक्शन में लाइट आ कहां से रही है, इन्फिनिटी से, तो यू क्या है यहां पर, इन्फिनिटी। रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला रेयरर टू डेंसर, और यू इन्फिनिटी। तो एक काम करते हैं वी निकालते हैं क्या है, और आर इसमें पॉजिटिव, आर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इस हेमिस्फीयर का रेडियस आर गिवन है, ये पोल है, पोल से सेंटर यहां मिलेगा, रेज भी नीचे आ रही है, पोल से डिस्टेंस भी नीचे की तरफ है आर का, तो आर पॉजिटिव है। तो रिफ्रैक्शन में यू इन्फिनिटी है, म्यू वन म्यू टू पता है, आर पॉजिटिव है, रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाया, यू इन्फिनिटी है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, वी क्या आया, 3R। तो एक्चुअल में ये जो रेज हैं इनको पोल से कहां पे जाके मिलने हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये कितने हैं, 3R, तो दिस इज 3R, तो 3R पे जाके मिलना है, क्लियर है यहां तक। तो रेज 3R पे जाके मिलेंगी। अब एक बात बताओ, आपको ये डायमीटर निकालना है डी डैश, ऐसे क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगेगी, कैसे, ये एक ट्राइंगल ले लो पूरा और ये छोटा ट्रायंगल ले लो, बड़े ट्रायंगल में डायमीटर क्या है डी, छोटे ट्रायंगल में डायमीटर क्या है डी डैश, बड़े ट्रायंगल की ये लेंथ क्या है 3R, छोटे ट्रायंगल की ये लेंथ क्या है 2R, 2R क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है R, टोटल क्या है 3R, 3R में से R गया तो कितना बना 2R। सॉल्व करके डी डैश निकाल लेना, इन टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा, ऑप्शन मार्क कर लेना, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, मेथड समझ में आ रहा है किस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक। असाइनमेंट नंबर सब्जेक्टिव आपको दी हुई है 75, असाइनमेंट नंबर सब्जेक्टिव 75, ये देखो, तो 75 में ये होमवर्क है आपका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का होमवर्क है, ये लो, ये सारा आपने ट्राई करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो आपको होमवर्क है।